عن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار व मा यज़ालजल यकजब व तहरल युक्त हत्या बिंदल कज़ाबा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ील्लाव से मरवी है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सच्चाई को इख्तियार करो इसलिए कि सच्चाई नेकी की तरफ़ रहनुमाई करती है यानी सच ही असल चीज़ है सच्चाई को इख्तियार करो इसलिए कि सच्चाई निकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है याद रखो आदमी सच बोलता है फिर बोलते बोलते अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है यानी सच बोला सच ही को इख्तियार किया, इरादे में भी सच्चाई अमल में भी सच्चाई कॉल में भी सच्चाई फेल में भी सच्चाई यहाँ तक कि अगर इस मामले में जद्दोजहद जारी रही तो ये सबसे बड़ा मर्तबा है जो किसी इंसान के लिए कुरान में बयान हुआ है ये जो हमारे यहाँ के सूफिया के मरातब हैं ये कुरान के लिए अजनबी हैं बिल्कुल विलायत और इस तरह की चीज़ें ईजाद बंदा हैं कुरान में ये अल्फाज इस मफहम में इस्तेमाल ही नहीं हुए कुरान मजीद में जो बंदों के लिए मरातब बयान हुए उनमें सबसे बड़ा मरतबा क्या है सिद्दीक और ये करामतों से नहीं मिलता ये सच्चाई से मिलता है तो ये बयान किया कि ये कैसे मिलता है आदमी सच बोलता है फिर बोलते बोलते अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है इस मरतवे तक पहुँच जाता है और झूठ से बचो इसलिए कि झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है सारे गुनाहों की बुनियाद झूठ होता है और गुनाह दो में ले जाता है याद रखो आदमी झूठ बोलता है फिर बोलते बोलते अल्लाह के नज़दीक कजाब लिख दिया जाता है तो ये कजाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि जो अल्लाह की तरफ़ से किसी बंदे पर लानत के लिए सादिर हो जाए और सिद्दीक से बड़ा कोई मर्तबा नहीं है अकूल व कौली हाजा बस्तख फिर